नमस्ते बच्चों, आज हम इतिहास का अध्याय एक पढ़ेंगे। क्या, कब, कहाँ और कैसे? चलिए शुरू करते हैं। अतीत के बारे में बच्चों हम कैसे जान सकते हैं और क्या जान सकते हैं? हम लोगों के बारे में, यानी कि पहले के शासक जो राजा हुआ करते थे, पहले के व्यापारी कैसे थे, पुरोहित यानी कि पंडित, संगीतकार, कलाकार, इन लोगों के बारे में हम जान सकते हैं। और क्या क्या जान सकते हैं? हम ये जान सकते हैं कि वे लोग क्या खाते थे, वे लोग क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाना खाते थे, और जिन बर्तनों का उपयोग हम आज करते हैं, क्या वो भी उन्हीं बर्तनों में खाते थे? किस तरीके के घर में वह रहते थे? शिकारी यानी कि आखेटक, शिकारियों को आखेटक भी बोला जाता है, वे क्या उगाते थे? क्या वे चावल उगाते थे, दालें उगाते थे, धान उगाते थे, या इन चीजों से परिचित नहीं थे? इन चीजों के बारे में हम जान सकते हैं अपने अतीत से, है ना? अब आइए जानते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग नर्मदा नदी के तट के पास रहा करते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे, यानी कि शिकार करते थे। आज के जमाने में हम जानवरों का आखेट नहीं करते। आजकल हम क्या करते हैं? आजकल तो हमें बना बनाया सब्जियां और फल ये सब मिल जाता है दुकान से। और पुराने लोग शिकार करते थे, वे जड़, फल आदि ये सब खाते थे। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियां थी। वहां लोगों ने गेहूं और ज्वार उगाना शुरू कर दिया। उत्तर पूर्व में गारो, मध्य भारत में विंध्याचल में चावल उगाया गया। तो उत्तर पूर्व में जो गारो है और मध्य भारत में विंध्याचल है, वहां पे क्या उगाया गया? चावल और गेहूं और ज्वार सुलेमान और कीर्थर की पहाड़ियों के पास लोगों ने उगाना शुरू किया। और हमें ये पता चला कि लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, उसके पास रहते थे। वे जानवरों का आखेट करते थे, यानी कि शिकार करते थे। हमें इस अध्याय में ये भी पता चला है कि जो सहायक नदियां होती हैं वो क्या होती हैं। तो बच्चों, सहायक नदियां वो नदियां होती हैं जो आकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है? जैसे कि सिंधु है, सिंधु की सहायक नदियां क्या है? झेलम, चेनाब, राबी, व्यास या रबी, सतलुज, ये सारी सहायक नदी और ये सिंधु में आकर मिल जाती हैं, है ना? तो ये एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है, तो उसी को सहायक नदी कहते हैं। गंगा की सहायक नदियां क्या है? यमुना, घाघरा या घग्गर, राम गंगा, ताप्ती, गंडक, सोन, बेतवा, ये सारे हमारे पेपर में आ सकती हैं। सिंधु की सहायक नदियां और गंगा की सहायक नदियां आ सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है ये। देश के नाम पढ़ते हैं हम, जैसे भारत और इंडिया कैसे बना है। इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है। इंडस संस्कृत में, इंडस का मतलब होता है सिंधु नदी, सिंधु कहा गया संस्कृत में इसको, और इंडस शब्द से निकला है ये। जो यूनानी लोग थे या ईरानी लोग थे, वह सिंधु को हिंदोस या इंदोस कहते थे। और कुछ लोगों ने जो नदी के पूर्व की भूमि थी, उस भूमि को क्या बोल दिया? इंडिया नाम दे दिया। जो नर्मदा नदी थी उसके पूर्व की भूमि को इंडिया नाम दिया गया। भरत नाम भी दिया गया उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को। और ये चीज ऋग्वेद में भी उल्लेख है इसका। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो इसमें भी उल्लेख है कि भरत नाम दिया गया उन लोगों को जो उत्तर पश्चिम में रहते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हमने ये भी सीखा कि लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी पुस्तकें बनाते थे। आज तो आपने देखा होगा कि हमें पुस्तकें कैसे मिलती है, प्रिंटेड, है ना? लेकिन पहले क्या होता था? पांडुलिपि,
उसको क्या बोलते हैं, पांडुलिपि, यानी कि हाथ से लिखी गई पुस्तकें। मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यू मीन्स हाथ, हाथ से लिखी गई। तो लोग किस पे लिखते थे, पहले ऐसे कागज तो नहीं होता था, तो लोग पुराने जमाने में ताड़ पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक भुर्ज पेड़ था उसकी छाल पर लिखते थे। ताड़ पत्र या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज की पेड़ की छाल पर लिखते थे। मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि यानी कि हाथ से लिखा गया, ठीक है। और उनकी भाषा क्या होती थी, किस भाषा में लिखते थे, या तो वे संस्कृत में लिखते थे, या प्राकृत में लिखते थे, या तमिल भाषा में, जो साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के लोग थे वो तमिल में, या उनकी जो भाषा थी उसमें लिखते थे ज्यादातर। अब दोस्तों हमें मूर्ति, बर्तन, चित्र से भी अतीत का पता चलता है, यानी कि पुराने जमाने में कुछ मूर्तियां मिली होंगी, कुछ बर्तन हमें पता चलते कि लोग ऐसे बर्तनों में खाना खाते थे। चित्र, पुराने चित्र भी मिलते हैं, उनसे भी अतीत का हमें पता चलता है। और इन चीजों का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कहलाता है वह जो कि मूर्ति, बर्तन, चित्र, पुराने जमाने की जो चीजें हमें मिली हैं उनसे अतीत का पता लगाता है, जो वह व्यक्ति क्या होता है, पुरा तत्विद कहलाता है। अब बच्चों आ जाता है अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख यानी कि ऐसा लेख जो कि पत्थर या किसी धातु की सतह पर लिखा जाता है, जैसे एक पत्थर है उस पर लिखा या किसी भी धातु पर लिखा जाता है, उसको अभिलेख बोला जाता है। तो ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे सतह पर लिखे जाते थे पुराने जमाने में, अतीत में। अब आ जाते हैं बच्चों हम तिथियां। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, जिसको भी बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो भी हमारा टाइम होता है, समय होता है, उसको बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा भी बोला जाता है। एडी एनो डोमिनी यानी कि कॉमन एरा। सीई ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष होता है, ठीक है। चिन्ह क्या होता है, सिंबल। एक प्रसिद्ध लिपि उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से भी मिलती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, हमें हमें अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, उनके बर्तनों के बारे में, वो कैसा खाना खाते थे, क्या खाते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे घर में रहते थे। तो ऐसी एक लिपि भी मिली है उत्तरी अफ्रीकी देश से, मिस्र जिसका नाम है, वहां से एक चिन्ह मिला है। अलग अलग चिन्ह है जिसमें कि अलग अलग सिंबल दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि जैसे एल है तो एल से लॉयन, और भी सिंबल वहां पे मिले हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अधिक से अधिक और से और अधिक से अधिक वीडियो, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सारी वीडियो डालूंगी क्लास वाइज, और उसके बाद साइंस की 6 to 8 की वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको दिखाई देंगी। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है सीटेट, जो बच्चे सोशल साइंस है सीटेट दे रहे हैं, या DSSB या KVS किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट ये नोट्स हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने वीडियो में रखी हैं। तो धन्यवाद बच्चों आपका, और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।